आज का प्रातः क्लास है 27 जुलाई 1964 सोमवार। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अभी जाना, क्योंकि भक्त भगवान को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? और ज्ञानी है? ज्ञानी नहीं बुलाते है? भक्त भगवान को बुलाते हैं, और जो अपन को ज्ञानी कहते हैं और वो भी बुलाते हो तो क्या कहेंगे? ज्ञानी है या भगत है? भगत। अभी तुम तो भगत नहीं ठहरे, क्योंकि तुम तो बुलाते नहीं हो। तुम तो मेरे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय बच्चे हो ना। अब बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सन्मुख सुनना चाहते हैं। भक्त लिखेंगे है? कोई भी सत्संग में भक्त लिखते हैं कि हे भगवान हम तुमसे सन्मुख सुनना चाहते हैं। वो तो नहीं लिखते। अभी तुम भी सन्मुख हो ना। सन्मुख माने मुख के सामने होना, और फिर बुलाते भी रहते हैं, निमंत्रण देते ही रहते हैं कि बाबा अभी तो हम डायरेक्ट आपसे ही सुने। क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास मुरली सुनेंगे, टैप रिकॉर्ड या टीवी से सुनेंगे, डीवीडी या वीसीडी से सुनेंगे तो सेकंड क्लास, और कागज से पढ़ेंगे तो थर्ड क्लास मुरली हो जाती है। और अभी डायरेक्ट तो सिवाय इस ब्रह्मा तन के द्वारा बहुत मुश्किल है। कौन से सन की वाणी है? 64 की। डायरेक्ट मुरली सुनने के लिए बीच में कौन चाहिए है? ब्रह्मा जरूर चाहिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं जहां जहां भी बच्चे हैं और वो कितने भी दूर हैं, वो बच्चे जानते हैं कि कल पहले मुआफिक बाबा आया हुआ है। और बाकी बच्चे चाहे दूर हैं चाहे नजदीक हैं, वो तो नहीं जानते कि बाबा आया हुआ है।
और कहां आया हुआ है? जहां उनकी शिवरात्रि मनाई जाती है, इनकी नहीं, किनकी है? ब्रह्मा तन द्वारा जो सुनाते हैं उनकी शिवरात्रि नहीं मनाई जाती है, इनकी नहीं, किनकी? उनकी। ये दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है जिसके लिए घोषणा भी व्यक्तवाणी में करवाई थी। क्या घोषणा कराई थी? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ये भारत है ना, देखो ये कितना बड़ा भारत है, बहुत भारी। और देशों के मुकाबले बहुत बड़ा है क्या? है कैसे? एरिया के हिसाब से बड़ा है या जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है? है जनसंख्या के हिसाब से। चीन में? चीन के मुकाबले है? किस हिसाब से बड़ा है? बड़ा कहा जाता है जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा। हम समझते हैं कि ये बहुत ऊंचे पद पाने वाला है। कौन? जिसके लिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। कितना बड़ा बनता है भारत, जो और कोई देश नहीं बनता है। और देशों में से कितने भी बड़े बड़े महत्वाकांक्षी निकले हों, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी हो, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर विश्व की बात सही कोई भी नहीं कर सके। और भारत, भारत है सारे विश्व का बादशाह बनता है। तो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बड़ा ही कहेंगे, ये तो बच्चे जानते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशा का वंशावली ब्राह्मण भूषण है। देखो तुम बच्चों को नाम कितना अच्छा दिया हुआ है, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बहुत हैं, उनको ये ज्ञान मिला हुआ है। आगे तो मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते थे, अभी परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो आकर के ज्ञान दे रहे हैं। इसे परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, क्योंकि सुख देने वाला गाया हुआ है ना। है किसकी भेंट में सुख देने वाला गाया हुआ है? है दुख देने वाला कौन? दुख देने वाला रावण है अनेक सिर वाला, और सुख देने वाला
एक सिर वाला राम दिखाया जाता है। रामलीला खेलते हैं ना, तो रावण को कितने सिर वाला, अनेक सिर वाला दिखाते हैं, और राम को एक सिर वाला दिखाते हैं। कहते हैं दुख हरता सुख करता। अभी बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हैं कि सुख करता है दुख हरता है, और उस आत्मा का नाम क्या है जो सुख करता है और हरता है दुख को, उस आत्मा का नाम क्या है? है शिव। परंतु नाम तो कितने भिन्न भिन्न दे दिए हैं, किस आधार पर? जैसा काम करके दिखाते हैं वैसा नाम पड़ जाता है। किसको पता भी नहीं है वो कौन है, वो माने कौन? परमपिता परमात्मा शिव कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। गायन तो बहुत होता है, ये भी बच्चे जानते हैं कि हर हर यानी दुख को हरने वाला। फिर ये हर हर गाते किसको है? हरि नाम कृष्ण का देते हैं, और हर नाम शंकर का देते हैं। ये गायन शंकर का क्यों करते हैं? हर हर बम बम महादेव, ये हर हर शंकर के नाम से क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शंकर द्वारा पुरानी दुनिया दुखदायी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। जब तक इस 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक ये दुनिया में से दुखदायी वाइब्रेशन खत्म नहीं हो सकते। विनाश हुए बगैर 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि का विनाश हुए बगैर सुख के वाइब्रेशन बन जाएंगे? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो विनाशकारी गाया हुआ है, फिर भी देखो रहस्य कितना है। कहते हैं विनाश करता है और रिजल्ट क्या आता है? हैं? सारी दुनिया में रिजल्ट आता है कि सुख की समृद्धि हो जाती है। अगर विनाश न हो तो सुखदाता गाया जाएगा कभी नहीं। जरूर भगवान को ही गाएंगे, परंतु पता न होने के कारण नेक्स्ट टू भगवान कह दिया है। किसको? शंकर को। ऐसे तो कहते हैं नेक्स्ट टू भगवान कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या ये चार चार होंगे? हैं? फिर ये चार क्यों कह दिए? क्योंकि चारों ही वास्तव में एक ही पार्ट है। शंकर कहा ही तब जाता है जब एक ही पर्सनालिटी में
तीन आत्माओं का संकरण होकर पार्ट बजता है और नारायण कब कहते हैं? है जो नर प्रजापिता है पुरुषार्थ संपूर्ण होने के बाद क्या कहा जाता है? नारायण कहा जाता है, नर से नारायण। तो प्रजापिता पार्टधारी अलग हो गया, शंकर पार्टधारी अलग हो गया और नारायण पार्टधारी अलग हो गया। फिर कौन बचा? नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण। कौन सा कृष्ण है? सतयुग का क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुग के कृष्ण का कोई भी गायन नहीं है, सतयुग के देवताओं का कोई गायन नहीं है, सतयुग त्रेता की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती है। जो भी शास्त्रों में हिस्ट्री है कृष्ण के नाम से वो कहां की यादगार है? संगमयुगी कृष्ण की यादगार है। और वो संगमयुगी कृष्ण नारायण बनने से पहले का पार्ट है, जबकि संपन्न होने वाला होता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं देव देव महादेव, तो कौन देव और कौन देव और कौन महादेव है? ब्रह्मा देव, विष्णु भी देव और तीसरी मूर्ति शंकर महादेव। तो देखो ऊपर वाले को भूल करके फिर भी कह देते हैं हर हर महादेव। कौन हुआ ऊपर वाला? हैं? शिव हुआ ऊपर वाला और महादेव नीचे वाला। ऊपर वाला कैसे? कहां का वासी? परमधाम का वासी। इस सृष्टि पर 5000 वर्ष पार्ट नहीं बजाता है और शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है। महादेव तो शंकर को कहा जाता है क्योंकि बाप ने समझाया है ब्रह्मा और विष्णु वो तो बाद में स्थूल में आते हैं। क्या कहा? पहले कौन आता है स्थूल में? है? पहले पहले पार्ट बजाने के लिए कौन सी मूर्ति आती है त्रिमूर्ति में? हैं? अरे कोई मूर्ति पहले पहले आती है? हैं? यज्ञ के आदि में शिव बाप आया, अकेला आया क्या? हैं? तीन मूर्तियों के साथ आता है। आता तो है परंतु तीनों मूर्तियों में एक साथ आता है या फिर भी नंबर वार है? हैं? नंबर वार है। तो वो सूक्ष्म में ही रहता है, वो स्थूल में नहीं आते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर भी नाम उनका बड़ा लिया जाता है।
किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का 33 करोड़ देवताओं के बीच में बड़ा नाम लिया जाता है। स्थूल में नहीं आते हैं, है? अरे स्थूल में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं तब तो नाम लिया जाता है। फिर ये क्यों कह दिया कि स्थूल में नहीं आते हैं? इसलिए कह दिया कि बाप आत्मा को देखते हैं, जो आत्मा सूक्ष्म है, या देह को देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो आत्म की स्थिति में टिकी हुई आत्मा बड़ा काम करके दिखाती है, तो उनका बड़ा नाम लिया जाता है। दुख हरता नहीं है तो फिर दुख हरता कहा क्यों जाता है? दुख हरने वाले को पतित पावन कहा जाता है। दुख हरने वाले को पतित पावन कहा जाता है। तो कौन हुआ पतित पावन स्थूल में, जिसकी मूर्तियां स्थूल में मिलती हैं? है ब्रह्मा विष्णु या शंकर? शंकर को कभी भी कोई पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? है नहीं, शंकर कहा ही तब जाता है जब उसमें चंद्रमा कहो, बैल कहो, वो भी प्रवेश है। अब बैल जिसके ऊपर सवारी करता हो, बैल मनुष्य होता है या जानवर? जानवर जिस पर सवारी करता हो उसको फिर दुखहरता कहेंगे? कहेंगे? अरे अरे किसी में भूत प्रवेश कर जाए तो उसे भगवान कहेंगे? नहीं कह सकते। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या बनती है? है स्थूल शरीरधारी है या सूक्ष्म शरीरधारी है? सूक्ष्म शरीरधारी है। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक इविल सोल होती है और एक होते हैं जो इविल पार्ट नहीं बजाते। क्या? भले इविल पार्ट नहीं बजाते तो भी उनको भगवान कहेंगे। तो शंकर को भी कोई पतित पावन नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? बी लगा हुआ है, बी माना क्या हुआ? शंकर को भी माना ब्रह्मा को भी नहीं, विष्णु को भी नहीं, और शंकर को भी पतित पावन कोई नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? हैं? शिव बाबा को कहेंगे। पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा शंकर है या उस पार्टधारी में शिव की आत्मा है? शिव की आत्मा पतित पावन है। पतित पावन जब कहेंगे तब ऊपर में जाएंगे,
निराकार की तरफ, वो जास्ती कहां रहता है? है 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, उस 5000 वर्ष के ड्रामा में शिव थोड़े समय के लिए संगम युग पर आता है, पार्ट बजाता है, बाकी कहां रहता है? तो जब पतित पावन कहेंगे तो कहां का वासी है? हैं? ऊपर का या नीचे का? ऊपर का वासी है, निराकार है। तो जब ऊपर रहता है तब पतित पावन का पाठ बजाता है, है? कहां पाठ बजाता है, ऊपर कि नीचे? पतित पावन का पाठ तो नीचे बजाता है ना, तो कोई में प्रवेश करके बजाता है या बिंदी पुदुक पुदुक करके पतित पावन बनाती है, संग का रंग लगाती है? है कोई में प्रवेश करके मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथधारी को जिसमें बैल भी प्रवेश करता है, बैल प्रवेश करेगा तो बैलबाजी करेगा कि नहीं? है वो तो करेगा। तो जब तक बैल का पार्ट है किसी व्यक्तित्व में तो उसे भगवान कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब शंकर बैल पर सवारी करे। जब तक बैल शंकर के ऊपर सवार है तब तक वो निराकारी हो सकता है? सदाकाल के लिए निराकारी हो सकता है? नहीं हो सकता। जब हाई जंप लगाए और शंकर बैल पर सवारी करे, बैल को कंट्रोल कर ले, तब कहा जाएगा क्या, निराकारी या साकारी? निराकारी। बैल के ऊपर, कंधे के ऊपर क्या दिखाते हैं? है? अरे अरे, गोल गोल शिवलिंग जैसा गुंबद दिखाते हैं ना, इससे साबित होता है कि शिव जो निराकार है, जो इस सृष्टि पर आकर के आप समान बनाता है। आप समान क्या बनाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। वो निराकारी स्टेज वाला शंकर है, जिसके लिए संसार में कहते हैं हर हर महादेव, तो निराकार की तरफ इशारा तब किया जाता है जब वो साकार भी निराकारी स्टेज में रह करके मन बुद्धि से कहां का वासी हो जाए? हैं? परम धाम वासी हो जाए। बाप ने समझाया है जो कुछ भी महिमा है, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विष्णु के भी दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण, जो फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। भी क्यों लगा दिया? है
ब्रह्मा भी जन्म मरण के चक्र में आता है। विष्णु के जो दो रूप हैं, चार भुजाओं के रूप में, वो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो विष्णु ही दो रूप धार पहले पहले से शुरू करते हैं, जिनको ही फिर राधे कृष्ण कहेंगे। पहले पहले कब से है? अरे पहले पहले से शुरू करते हैं पाठ बजाना, तो कब से शुरू करते हैं है? अरे आदि से? आदि से माने कब से, कौन से युग से? संगम युग से। जो जन्म अलग अलग लेते हैं, कौन से जन्म की बात होगी? हद के शारीरिक जन्म की बात है, या जैसे बच्चा जन्म लेता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष होने की बात है, जो बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण का गायन है? नरसे नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण का गायन है। तो लक्ष्मी नारायण बनने से पहले वो क्या होते हैं? संगमयुगी राधे चंद्रवंशी। राधे कौन से वंश से आती है? चंद्रवंश से। और कृष्ण सूर्य वंश से आता है। क्यों ऐसे क्यों कह दिया राधे चंद्रवंशी? क्योंकि वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करती है, और कृष्ण चंद्रमा को फॉलो करता है, किसको करता है? ज्ञान सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य शिव है। तो ज्ञान सूर्य शिव का बच्चा कृष्ण, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची राधा। राधा नाम क्यों पड़ा? क्या काम किया जो राधा नाम पड़ा है? हाँ। और कोई उस धनुष को नहीं उठा पाता, उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को और कोई नहीं उठा पाता। कौन उठाई लेती है? राधा उठाई लेती है। तो देखो विष्णु को याद जरूर करते हैं। विष्णु अवतार में भी गाया जाता है। क्या अवतरण माने? ऊपर से नीचे आना। नाटक होता है उसमें विष्णु शत्रुभुज को ले आते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि कोई इनसे दो लक्ष्मी नारायण आकर के स्वर्ग में पहले पहले प्रिंस एंड प्रिंसेस बनते हैं। कौन दो लक्ष्मी नारायण है? राधे और कृष्ण। और उनमें कौन पार्ट बजाती है? आत्मा। कोई आत्माएं उनमें संपन्न होकर पार्ट बजाती है, हैं? अरे बाप दादा कहा जाता है,
तो बाप दादा इकट्ठे जावेंगे या अलग अलग होके जावेंगे? हैं? इकट्ठे जावेंगे संपन्न होकर। तो राम बाप कहा जाता है, तो बाप अपने बच्चे के बगैर साथ साथ लिए बगैर नहीं जा सकता। तो ये दो लक्ष्मी और दो नारायण की बात हो गई, दो पेयर से हैं, एक पेयर प्रवेश करने वाला और एक साकार शरीरधारी। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये विष्णु और कोई नहीं है, ये प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं, राधे कृष्ण। अभी ये ज्ञान तो तुम बच्चों को पड़ी है, जानकारी पड़ी है, परंतु ये तो जानते हो कि तूफान माया का बहुत भारी, क्योंकि तूफान तो लगते भी है, स्थूल में भी लगते हैं, फिर ये है सूक्ष्म में। ये माया भुलाती है, अनेक प्रकार के तूफान ले आती है, बच्चों के ऊपर बहुत तूफान लाती है। और तुम बच्चे साफ सच्चे हो, क्योंकि हर बात खुली दिल से पूछते रहो तो उनको सब प्रश्नों का उत्तर भी मिल सकता है। सत्ताईस सात चौसठ की वाणी का दूसरा पेज। ये तूफानों के वनस्पत, तूफान स्वप्न छी छी विकर्म, जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आते थे वो भी हैं, तो उनको तूफान कहा जाता है। असल में आंधी भी तूफान को कहा जाता है। अभी बच्चे तो जानते हैं कि जहां तहां ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं, उनको ब्रह्मा के चित्र का तो अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वो फिर भी तो नामी ग्रामी है। बाकी बीज बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। कौन है? किसकी बात हो रही? ब्रह्मा की। ब्रह्मा बहुत नामी ग्रामी, और नामी ग्रामी जो है ब्रह्मा नाम एक का या अनेक का? अनेकों का नाम ब्रह्मा है। उनमें भी जब बीज बाबा प्रवेश करता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। देखो ये चित्रों में लगा हुआ है ना, नहीं तो मनुष्य गुरु सिर्फ अपना फोटो लगाते हैं। यहां तो देखो कितना नामी ग्रामी हो गया है। अभी दुनिया तो जानती है कि ब्रह्मा कौन होता है, जानती है?
है? नहीं जानती है, बच्चे दिखलाते भी हैं चित्र में, कोई तो दाढ़ी वाला दिखलाते हैं, मूछ वाला भी दिखलाते हैं, कोई ऐसे ही प्लेन दिखलाई देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बिल्कुल ही गोरा रख देते हैं। जहां जहां तीन देवताओं के इकट्ठा दिखाते हैं, तीनों मूर्तियों को बिल्कुल गोरा रख देते हैं। दाढ़ी मूछ भी नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, कई चित्रों में ऐसा है बरोबर दाढ़ी भी दे दी है। अब उनको पता तो है नहीं, ये दुनिया में थोड़े ही पता होता है कि सूक्ष्म वतन में कोई की भी दाढ़ी वाड़ी नहीं देखने में आती है। क्यों? अरे दाढ़ी मूछ किसको होती है? विकारियों को होती है, और सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ताएं होते हैं जिनका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं होता। तो निर्विकारी हुए या विकारी हुए? इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को गोरा दिखाते हैं, और सतयुग के देवताओं को भी तो गोरा दिखाते हैं ना। सतयुग के देवता हैं सब गोरे ही गोरे, वहां कोई काटने कूटने की गड़बड़ रहती ही नहीं है। जैसा जैसा देश वैसे वैसे मनुष्य का वेश भी होता है। चमड़ी का वेश भी तो फर्क हो जाता है ना, है? क्या फर्क हो जाता है, है? सतयुग में गोरी चमड़ी और कलयुग में काली चमड़ी हो जाती है। तुम जानते हो कि बरोबर अभी तो कुब्जाएं अहिल्याएं फलानी फलानी, किन की आंख नहीं किन की नाक नहीं, किन का क्या नहीं, कब की बात है, कौन से युग की बात? अरे ऐसा कौन से युग में होता है? देवताएं तो कोई काने कुबजे नहीं होते हैं, सतयुग त्रेता में तो होते नहीं, तो कहां होते हैं? हैं? कलयुग की यादगार है, कलयुग अंत में जो रुद्रमाला के मणके होते हैं, कोई को आंख नहीं है, क्या ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं, लेकिन ज्ञान तो अगर उनको दिखाई नहीं पड़ता, या तो कभी कभी देखते हैं फिर भूल जाते हैं, तो देखा देखा ना देखा बराबर हो गया। तो देखो वहां सतयुग में ऐसा नहीं होता है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, उसको कहा जाता है नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वहां तत्व ही सतो प्रधान है। तो अभी ये सभी ज्ञान की बातें
सन्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं, है? क्या परिहार दिया? भक्त भी बुलाते हैं और तुम बच्चे भी बुलाते हो, तो क्या तुम बच्चों को भगत कहे या ज्ञानी कहे? हैं? दोनों ही बुलाते हैं। सतयुग में बुलाते हैं, त्रेता में बुलाते हैं, जब संपन्न हो जाते हैं तो नहीं बुलाते हैं। और यहां बच्चे भी बुलाते हैं, द्वापर कलयुग में भक्त भी बुलाते हैं, तो अंतर किस बात का है? अरे बच्चे सन्मुख में मुरली सुनने के लिए बुलाते हैं, बुलाते तो भक्त भी हैं। क्या वो सन्मुख मुरली सुनने के लिए बुलाते हैं? भगवान को सन्मुख बुलाते हैं? नहीं। तो ये अंतर है। तो हम सुन करके जैसे आप सुनाते हो वैसे हम भी सुनावे। किस लिए सन्मुख बुलाते हैं? है? जैसे बाबा सन्मुख आकर के सुनाते हैं, जिस वाइब्रेशन में सुनाते हैं, जिस अर्थ में सुनाते हैं, वाइब्रेशन का भी अर्थ हो जाता है ना अलग। सन्मुख आते हैं तो कुछ एक्ट भी करते हैं सुनाते समय, हैं? उस एक्ट का भी अर्थ हो जाता है ना। आंख से इशारा करते हैं उससे भी अर्थ का फर्क पड़ता है ना। तो जैसे आप सुनाते हो माने जैसे भगवान सन्मुख सुनाते हैं वैसे बच्चे भी वैसे ही सुनावे। देखो गीत में कुछ न कुछ फिर भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। क्या क्या गीत चला था? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब ये भक्तों की बात हुई या ज्ञानी बच्चों की बात हुई? ज्ञानी बच्चों की बात है। भक्त भी बुलाते हैं लेकिन वो सन्मुख सुनने के लिए नहीं बुलाते। तो ब्रह्मा कुमारियां कैसी है? भक्त हैं या ज्ञानी है? तथा कथित ब्रह्मा कुमारियां हो तो तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन तुम्हारे बुलाने में और उनके बुलाने में क्या फर्क है? हैं? वो सन्मुख सुनने के लिए भगवान को सन्मुख नहीं बुलाते हैं और तुम सन्मुख सुनने के लिए बुलाते हो। तो देखो भक्ति मार्ग में भी प्राय आटे में लून जितना कुछ है जरूर। बाबा ने समझाया धर्म तो प्राय लोप हो गया, लोप हो गया है, लोप हुआ लेकिन पूरा लोप नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं की यादगार मंदिर तो रखे हुए हैं। एकदम नास्तिक बन गए क्या? बन गए? एकदम नास्तिक तो नहीं बन गए, यादगार मंदिर रखे हुए हैं। वो मंदिर कहां जाएंगे? निशानी यादगार तो सबकी रहती है,
सबकी माने कि नहीं की है? अरे जो भी दुनिया में बड़ा काम करके जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, शिवाजी हो, उनकी यादगार रहती है कि नहीं? क्या उनकी मूर्तियां चौराहे पर, तिराहे पर देखी जाती हैं? तो देखो, इस्लामी बौद्धी जो भी है, सब के मंदिर जरूर होते हैं। जो इस्लामी मुसलमान होते हैं उनके यादगार मंदिर का क्या नाम है? हैं? मस्जिद। बौद्धियों का यादगार होता है क्या होता है? हैं? बौद्ध मठ बनाते हैं ना, स्तूप बनाते हैं, तो अब ये बच्चों को भी याद रखना है। समझ गए हैं? बच्चों के सिवाय और जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो सभी धंधे धोरी में गटे पड़े हैं। क्या क्या कहा है? अरे कोई खास बात बताई है? बच्चे कौन बताए है? और बच्चों के अलावा कौन बताए है? जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बच्चे हैं, उनके अलावा जो दूसरे धर्म के हैं, वो सब काहे में अटे पड़े हैं अभी तक? हैं? धंधे धोरी में अटे पड़े हैं। और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, प्रैक्टिकल में हो, तो तुम्हारा धंधा क्या है? अरे ब्राह्मणों का क्या धंधा होता है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन करना। तो ये समझना तो चाहिए ना। बरोबर ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, तो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत को निराकारी कहा जाता है, है? ऊंचा और नीचा, ये कौन सी दुनिया की बात है? इस साकार दुनिया में ही ऊंचा और नीचा का भेद होता है। साकार के लिए ही कहा जाता है ऊंचा और नीचा। और ऊंचे थे ऊंचा, तो कोई से तुलना की या नहीं की है? किससे ऊंचा? अरे किससे ऊंचा? ये तीन देवताएं तो सनातन धर्म के हैं ही, जिनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, जिनसे तुलना की गई है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो तुलना है धर्म पिताओं से, वो भी ग्रेट फादर्स गाए जाते हैं। महान धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन ऊंचे थे ऊंचे नहीं है। जब ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया जाता है, तो फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऊंचे थे ऊंचा ब्रह्मा या फिर विष्णु फिर शंकर
या कोई भी फलाना इनको ऊंचे से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि गायन है बहुत बाप का और है भी निराकार का गायन, बरोबर संगम युग का भी गायन है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कौन से युग में मिलते हैं? हैं? संगम युग में ही मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत मिलती है ना, देखो तुम कितनी आत्माएं वृद्धि को पाएंगे, बहुत वृद्धि को पाएंगे। ऐसे मत समझो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये तो फाउंडेशन है, ये झाड़ वृद्धि को पा रहा है और झाड़ के ऊपर देखो कितनी माया की है जो छोटे छोटे बूटों को उड़ाई देती है। बड़े बड़े को भी कोई वक्त में आंधी तूफान नहीं छोड़ते हैं। अभी तुम सन्मुख सुनते हो और फिर जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल होती है। क्या कहा है? सुनने वाले और तुम सुनमुख सुनने वाले दोनों में अंतर क्या बताया है? अभी तुम सन्मुख सुनते हो, तुम किससे कहा जाता? सामने वालों से तुम कहा जाता। तुम सन्मुख सुनते हो और तुम्हारे अलावा और जो हैं दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले वो फिर तुम्हारे से सुनने वाले हैं। कौन है? किसकी तरफ इशारा किया है? तुम सन्मुख सुनते हो और तुम्हारे अलावा जो और हैं ब्राह्मण है, वो तुम्हारे से सुनने वाले हैं। कौन है? वो तथाकथित बी के जो हैं वो सन्मुख नहीं सुनते हैं और तुम सन्मुख सुनते हो और वो तुम्हारे से बाद में सुनने वाले, उनकी भी दिल होती है क्या कि हम भी सन्मुख जाकर सुने? वो अपनी दिल पूरी क्यों नहीं कर पाते हैं? उनकी दिल होती है कि जाकर सन्मुख सुने, लेकिन बेचारे सन्मुख आए नहीं सकते, आ ही नहीं सकती है। या स्त्रीलिंग कर दिया, आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकते हैं ये नहीं बोला, क्या आ ही नहीं सकते हैं? क्यों नहीं आ सकती? हाँ, क्योंकि जो माया बेटी है ना, उसने ऐसा माया का पसारा फैलाया हुआ है, ऐसी रावण की जंजीरें फैलाई हुई है कि वो साथ बंधन में है। तो देखो भगवान आए
और बच्चों को घर बैठे पहचान मिले। बच्चों को तो घर बैठे पहचान मिले। घर बैठे क्यों है? क्योंकि बुलाते हैं। इसलिए कि आओ और हम सन्मुख सुने है। बुलाते हैं या नहीं तो कहां आओ है? कोई मठपंता आश्रम में आओ, यहां जहां वहां बच्चों के घर बने हुए हैं वहां आओ है। हाँ, तो बच्चों को घर बैठे पहचान मिले, और वो आ ही नहीं सकते कौन है? कौन नहीं आ सके? तो जो तथाकथित बी के हैं वो यहां आ ही नहीं सकते। नहीं तो सत्संग में जाने के लिए कभी कोई किसको मना नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में कोई भी सत्संग में जाने के लिए कोई मना करते हैं? नहीं, मना तो करते नहीं। और यहां की क्या खास बात है? यहां भगवान का सत्संग है, भगवान सन्मुख आकर सुनाते हैं, तो भी यहां आने के लिए मना कर देते हैं। अरे वहां नहीं जाना। क्या वहां जाएंगे तो क्या होगा? तुमको जादू लग जाएगा। जो आदमी सो अंत में गाया हुआ है, आदमी भी ऐसे कहते थे, सिंध हैदराबाद में कहते थे ना लोग, यहां तो कोई जादूगर आया हुआ है कहते थे ना। फिल्मी गीतों में भी गाते हैं, जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, गाते हैं ना फिल्मों में। भले कोई भी धर्म वाला हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी फलाना हो, कोई भी हो, जिस सत्संग में जाएं वहां मना नहीं करेंगे। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, जो ब्रह्मा के बच्चे कहे जाते हैं वहां मना किया जाता है। तो देखो ये गीता बैठ करके सुनाते हैं आजकल। ओम शक्ति।